वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले, इंडिया में जितने ही वी ब्रोस की टीम के फैन हैं, आप सब लोग के लिए एक सैड न्यूज है। वी ब्रोस की टीम अब इंडिया में कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेगी और आप लोग बैकग्राउंड प्रूफ देख सकते हो। ये पोस्ट कल वी ब्रोस की टीम ने अपने इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज में किया कि अब से वो इंडिया में कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। अब ये बहुत ज्यादा सैड न्यूज है क्योंकि वी ब्रोस की टीम बहुत ज्यादा खतरनाक खेलती है और जब भी वो इंडियन सर्वर में कोई भी टूर्नामेंट खेलती थी तो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था। बट अब वी ब्रोस की टीम इंडिया में कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। अब वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। कल रॉकी भाई के YouTube चैनल में एक टूर्नामेंट चल रहा था, तो वाले टूर्नामेंट में दा माफिया की टीम से WB स्टॉकर खेल रहे थे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, भास्कर भाई आपने टाइटल और थंबनेल में तो रोहित दिखा है, पर यहाँ पर तो स्टॉकर खेल रहे हैं, तो इसका मतलब आपने टाइटल और थंबनेल में क्लिकबेट किया है। तो देखो भाई, वो क्लिकबेट नहीं किया है, स्टॉकर की आईडी से रोहित खेल रहे थे। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग फौजी भाई के मुंह से खुद सुनो। अरे तुम कैसे दिख गया मेरे कस्टमर में बैठे हो क्या? तुमने पहले कैसे कमेंट किया? तो लाइव पे दिखाया भी नहीं मेरे साथ कौन नहीं करके, तो स्टार्ट भी नहीं हुआ और तुमने पहले बोल दिया। कॉल है रोहित है रोहित। अरे ड्रैगो क्या कर रहा है रोहित? ड्रैगो गांव गया है, वो नहीं खेलेगा 2-3 दिन। गर्लफ्रेंड के पास गया है क्या? पैर के ऊपर बैठ के खेलना पड़ेगा तभी आएगा नेटवर्क। वैसे भी भाई को तो आदत है ना। अरे डिलीट भाई थोड़ा ना लैग हो के मारने हैं। देख रोहित, लैग तो रोहित तो होता है, सच्चाई नहीं बतानी तेरे को। अब आप लोग ने फौजी भाई के मुंह से खुद सुन लिया होगा, स्टॉकर की आईडी से रोहित खेल लेते। अब रोहित को द माफिया की टीम से खेलते हुए देखकर पुराने दिन याद आ गए जब रोहित द माफिया की टीम में थे। अब कल द माफिया की टीम ने बहुत खतरनाक बुइया किया था रोहित के साथ मिलके, तो मैं आप लोग को वाला बुइया दिखाता हूँ। अलग अलग अपनी पोजीशन ले रखी है, अभी तो जस्ट देख चुके क्या होता है देखा जाएगा। नेट लिखी, सटीक नेट लगाएंगे तो बात बने। ओ ये 139 का डैमेज आया लिखी, और एक शॉट चाहिए लिखी को। ही जस्ट नीड अ वन शॉट टू फिनिश ऑफ दैट प्लेयर फ्रॉम द ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स। और 99999999 वेरी स्मार्ट, एंड देयर इट इज दैट इज द वन मोर किल फॉर देम। 8 किल सिक्योर माफियाज के। आर पार की लड़ाई 9 किल कर चुके हैं माफियाज, लेकिन हेक्स को हराए बिना बुइया नहीं मिलेगा, और ये बढ़िया बात है। सिड अगर क्वालिफाई करना है तो इस पर्टिकुलर लॉबी की सबसे बेहतरीन टीम हेक्स को मार के बुइया लीजिए माफियाज। दम है तो ये टारगेट करके बताइए, ये जो आपका मुकाम है छूकर बताइए कप्तान फौजी अजय। एक ऐसा मुकाम जो गिने चुने लोगों को प्राप्त होता है, आपकी तकदीर अभी भी आपके हाथ में है। अगर हेक्स ईस्पोर्ट्स को मात देके बुया कर दिया माफियाज ने, इट विल बी अ बिग स्टेटमेंट दैट वी आर स्टिल रेडी टू डिलीट। और बाल-बाल बचे तो है, लेकिन वेस्ट जो इनकी टूटी है इसकी भरपाई सिड हो नहीं सकती अगर रिपेयर किट इनके पास है नहीं। हेक्स ईस्पोर्ट्स आर पार की लड़ाई कर रहे हैं, उनके पास एक नेडर भी है साहिल के स्वरूप। एक ब्लू बॉल गलत लगी है यहां पे, और कोशिश ड्रैग शॉट्स की जा रही, और खिलाड़ी को नॉक करने में कामयाब। अच्छी यहाँ पे आप कह सकते हो जुगलबंदी, जैगुआर को नॉकआउट करा है, और बॉल सटीक लगाई गई है। आर पार की लड़ाई, डिलीट को वहां पे नेट से नॉक कर दिया। कप्तान फौजी अजय डिलीट को रिवाइव देने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे, डिलीट एज अ फिनिशर इनका रहना काफी अति आवश्यक। और यहाँ पे एक और खिलाड़ी को समाप्त कर दिया, एक बार फिर से फैब आकाश यहाँ पे आग लगाते हुए। कप्तान फौजी अजय विजिबल है, कप्तान फौजी अजय पे हमला हो सकता है। परमानेंट कवर यहाँ पे अंडरडॉग टीम एक्सी स्पोर्ट्स के पास, लेकिन यहाँ पे माफियाज भी अभी भी है तैयार गाइस। यहाँ पे 11 किल कर चुके हैं माफियाज। एक और नॉकआउट माफियाज तेजी से आगे बढ़ते हुए। इट इज अ कमबैक विद द थाउजेंड्स ऑफ फैंस आर वेटिंग फॉरवर्ड। जितेंद्र सामने फौजी अजय, जितेंद्र बनाम फौजी अजय, जितेंद्र फौजी अजय नॉकआउट, लेकिन यहाँ पे माफियाज का बुया। अब आप लोग ने द माफिया की टीम का खतरनाक बुया देख लिया होगा रोहित के साथ मिलके। अब आप लोग कमेंट करके पक्का बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में 2K लाइक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।